পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি সক্রিয় নিম্নচাপ অক্ষরেখার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এর প্রভাবেই গত চার দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হয়। অতি বর্ষণের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন নদীগুলিতে জলস্ফীতি দেখা দেয়। এর ফলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্যায় রাজ্যের প্রায় 17 লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট 450টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এতে আশ্রয় নিয়েছেন 65,400 জন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করে চলছেন। বৃহস্পতিবার মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান রাজ্যের রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। তিনি জানান, রাজ্য সরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ রয়েছে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৃহস্পতিবারও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বৈঠকে মুখ্য সচিবও উপস্থিত ছিলেন বলে জানান রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। जहाँ धलाई है खोई, साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा और नॉर्थ त्रिपुरा ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक पिछले चार दिनों में हमने टोटल 450 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स ओपन किए हैं और जिसमें से 65,400 यानी 65,400 लोगों को स्टेट में शेल्टर दिया गया है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरे टोटल शेल्टर हुआ है। और हमारा जो एस्टिमेशन है कि लगभग 17 लाख टोटल पॉपुलेशन स्टेट की किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है, चाहे वो शेल्टर लिया हो, चाहे रोड ब्लॉकेट की वजह से घर में पानी भर गया, तो किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो भी ज़रूरत है, स्पेशली जैसे इमरजेंसी रिलीफ है, शेल्टर है, इवैक्यूएट करना है, शेल्टर हाउस में खाना देना है, पानी देना है, मेडिकल हेल्प देना, जो भी है वो हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, पावर, PWD, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सब राउंड द क्लॉक पिछले चार दिनों से एकदम बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और कि जिससे कि जो फ्लड में इवैक्यूएशन हो सके, रेस्क्यू हो सके, और कैसे हम लोगों को बचाएं और कैसे उनको रिलीफ किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कंफर्म्ड है वो 12 डेथ्स हो चुकी हैं और 2 पर्सन अभी भी रिपोर्टेडली मिसिंग है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि बहुत सारा एक्सटेंसिव डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, एग्रीकल्चर क्रॉप और जैसे हाउसेज है, लाइव स्टॉक वगैरह हुआ है। एक्चुअल फिगर तो एक बार जब असेसमेंट शुरू होगा तभी पता चलेगा, बट जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हमारा आया है वो बता देता हूँ। पावर डिपार्टमेंट में से 844 पोल्स ब्रोकन है, कन्फर्म्ड है, 151 ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए हैं, 310 कंडक्टर किलोमीटर की लाइन डैमेज हुई है और 2 सब सेंटर्स डैमेज हुए हैं। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारा डैमेज है, जस्ट मैं ब्रीफिंग के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह PWD का जो है रोड से रिलेटेड है, तो 2032 लोकेशन में लैंडस्लाइड हुई है और इससे ज्यादा ही होगा, ये मिनिमम है जो हमने काउंट किया है, और उसमें से 1789 लोकेशन को। সাংবাদিক সম্মেলনে আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক ডাক্তার পার্থ রায় জানান, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি নিম্নচাপ থাকার ফলে বৃহস্পতিবার এবং আগামী শুক্রবারও রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দক্ষিণ জেলার সিপাহীজলা জেলা, ধলাই জেলা এবং গোমতি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই 2 দিন অন্যান্য জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি। वो अभी पार्सिस्ट रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। इसके लिए IMD ने अभी जो 72 आवर्स का जो फोरकास्ट इशू किया है वो 22 का जो आज का दिन का है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल विथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ओवर द साउथ गोमती एंड सिपाहीजला एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा, एंड इसके साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वेरी लाइकली टू ऑकर ये रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा में रखा है, एंड इसके साथ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग होने का भी चांस है। ये 22 के लिए है, एंड 23 के लिए जो वार्निंग रखा है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ओवर द साउथ एंड सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में, एंड इसके साथ हेवी रेनफॉल है गोमती एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट में रखा है। एंड ये सब डिस्ट्रिक्स में रेड वार्निंग जारी किया है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है और अभी 2 दिन 22 एंड 23 में ये हेवी रेनफॉल एंड वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांस है। एंड 24 में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ओनली साउथ एंड सिपाहीजला एंड हेवी रेनफॉल गोमती एंड धलाई डिस्ट्रिक्ट में रखा है।
সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে জানান, বর্তমানে সোনামুড়া এবং উদয়পুরে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে গোমতী নদী। এছাড়া সাব্রমে ফেনী নদী, খোয়াই জেলায় খোয়াই নদী, কৈলা শহরে মনো নদী এবং রাজধানী হাওড়া নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। রাজধানীর হাওড়া নদী 2017 সালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া নদীর জলস্তর ছিল 11.33 মিটার। তিনি আরও জানান, হাওড়া নদীর বাঁধের কোথাও লিকেজ হয়নি। এই ধরনের গুজবে কান না দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।